हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस गाइस, आज मैं आ गई हूँ एक प्रकार का रीडिंग लेकर आप सभी के लिए। और आज हम देखने की कोशिश करते हैं इस रीडिंग के ज़रिए कि क्या आपके बिना आपके पार्टनर खुश है। जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप शायद, हो सकता है कि आज आपने अपने जो पार्टनर है उनसे जुदा हो गए हो, दूर हो गए हो। आप अगर मैरिड हो तो बहुतों के यहाँ डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, डिवोर्स केसेस फाइल हो चुके हैं। अगर अनमैरिड हो गए हो तो यहाँ पर ब्रेकअप का स्टेज चल रहा है। यानी कि किसी न किसी वजह से अगर आप दोनों अलग हो, इस वक्त रिश्ते में नहीं हो, तो आज हम देखते हैं कि क्या आपके बिना आपके पार्टनर खुश है या नहीं, है ना? क्योंकि आप में से बहुत लोगों का कमेंट आता है कि खुश है, हम देखते हैं, दोस्तों के साथ ये कर रहे हैं, दोस्तों के साथ वो कर रहे हैं, परिवार में खुश है, पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, है ना? पर कभी कभी ये होता है गाइस कि जो इन आंखों से दिखता है, जो इन खुली आंखों से दिखता है, सच्चाई वो नहीं होती है ना? इसीलिए सच्चाई क्या है, उनके दिल के अंदर की भावनाएं क्या है, क्या वो खुश है आपके बिना, यही आज का हमारा सवाल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रखे हैं दो पायल, दो स्टोन रखे हैं। ये है पहला पायल, लेमन स्टोन, पायल नंबर वन, जिन्हें लेमन कलर पसंद है। जी हाँ, नींबू का रंग। ठीक है, और ये है शांति का प्रतीक, वाइट स्टोन, पायल नंबर टू। तो आपको दिल पर हाथ रखनी है, पॉजिटिव एनर्जी में रहनी है और फटाफट एक पायल सेलेक्ट करनी है गाइस। ठीक है, आई होप आपने सेलेक्ट कर ली है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी पायल नंबर वन की रीडिंग से, इसे अभी हम हटा देते हैं यहाँ से। सो गाइस, ये है पायल नंबर वन। क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश है? मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, हो रे प्यारे। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, हो रे प्यारे। गाइस, साथ ही उनका एक्शन निकलेगा तो एक्शन भी देखेंगे। ओके, चलिए गाइस, मैंने कर लिया कार्ड की सबलिंग, आप निकालते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स। पहला कार्ड ही तो एक्शन का मिल गया है गाइस। ये सब सोर्स, ओ माय गॉड, ये कौन है गाइस? पहचानते हो क्या इस इंसान को? ये इंसान हो आप, और आप इनके जिंदगी में क्या कर रहे हो, मेरा सवाल आपसे है। क्यों निकल कर आ गए इनके कार्ड्स में गाइस? पहल नंबर वन, क्या आपके बिना वो खुश है? अब खुश है या दुखी है ये तो मैं नहीं पता बता सकती अभी, पर आप इनकी लाइफ में हो, दिमाग में हो, दिल में हो, धड़कन में हो, ये पता चल गया। समझ रहे गाइस? सेवन ऑफ सोर्स, दूरी है मजबूरी भी है गाइस, जस्टिस, सेवन ऑफ पैंटिकल्स, फाइव ऑफ लैंड्स। दो दो नई शुरुआत का कार्ड मिला है हमें गाइस, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पैंटिकल्स। दो कार्ड्स और चाहिए मुझे। क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश है? नाइट ऑफ वैंड्स, वाओ, सिक्स ऑफ वैंड्स। और बॉटम में हमें क्या मिला है गाइस? बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिली है। तो ये रहे आपके कार्ड्स, आपके पर्सन के लिए जो मैंने निकाले हैं। चलिए देखते हैं इनमें साइन और एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन से आए हैं गाइस। स्टे पॉजिटिव,
गाइस यहाँ पर सभी साइन नहीं आए हैं, वाटर साइन यहाँ पर नहीं है। ओके, आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा मुझे फायर साइन की एनर्जी नज़र आई है, लियो सेजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि। उसके बाद मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स नज़र आ रही है, और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। और कुछ लोगों के लिए एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। लिब्रा यहाँ पर स्ट्रांग है गाइस। ओके, तो क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश है, सवाल हमारा ये है आज का, है ना। पर सवाल का जवाब दूँ इससे पहले कुछ सिचुएशन आपको बता दूं जो आपके पास से रिलेटेड है, जो आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है, यानी कि आपका रिश्ता किस कगार पर है ये बताना ज़रूरी है। जब ये बातें मैच होती है तभी रीडिंग आपको मैच होगी गाइस। ओके, तो यहाँ पर बता दूं गाइस कि कुछ वजह ऐसी हुई है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से फाइटिंग्स बहुत होती थी आप दोनों के बीच में, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना। हो सकता है कि आपके पोर्शन हमेशा खुद जीतने की कोशिश करते थे, आपको हमेशा डोमिनेट करते थे, आपको हराने की कोशिश करते थे, है ना। और आपके रिलेशनशिप में लोगों का भी बहुत प्रभाव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फाइव ऑफ वैंड्स के कार्ड से, यानी कि आप दोनों ही रिश्ते में तो आप दोनों थे, पर लोगों की आंखें जो है आपके रिश्ते पर गड़ी हुई थी कि कैसे इन लोगों को जुदा करना है, कैसे इन दोनों में लड़ाइयाँ करवानी है, कैसे इन दोनों को अलग करना है। तो यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे नज़र आया है, पहली बात ये है। दूसरी बात, आप में से कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हो, मैरिड से डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है क्योंकि अरेंज मैरिज का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। तो शादी का भी कुछ इश्यूज़ हो सकता है यहाँ पर। ओके, कि आप या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, एक सिंगल है दूसरा मैरिड है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, ये जो एक्स्ट्रा बातें थी मुझे पता चली, बता दी। दूसरी वजह मैं आपको बता दूँ गाइस की ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहे हैं आपके रिश्ते में, यानी कि या तो आप अपने पोर्शन पर ट्रस्ट नहीं कर पाए या आपके पोर्शन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाए। हमेशा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड होता है सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड, है ना। कि रिश्ता इतना पहले खूबसूरत था, बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जहर घुलता गया रिश्ते में, है ना। एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाना, चीटिंग किया गया हो सकता है, कि चीटिंग भी आपके पोर्शन ने आपके साथ किया है, धोखा दिया है आपको, तो आपने पूरी तरीके से इनका भरोसा कहीं ना कहीं घुमा दिया है ना। तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की तो यहाँ पर धजिया ही उड़ी है मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो कहीं ना कहीं धोखे का शिकार भी आप होते रहे हो, और दूसरा जो है आपके पोर्शन ने हमेशा आपको इग्नोर करना, डोमिनेट करना, आपको नीचा दिखाना, आपकी कभी बातें नहीं समझना, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करना, मतलब पूरी तरीके से इग्नोर हमेशा किया गया है आपको इस रिश्ते में। ऐसी चीज़ें नज़र आई है जिसके वजह से आज के प्रेजेंट सिचुएशन में गाइस आप लोग यहाँ पर दूर हो गए हो। देखिए ये कार्ड निकल कर आया है जो है थ्री ऑफ वैंड्स। ये दिखाता है कहीं ना कहीं आज आप और आपके पर्सन इतने ज़्यादा दूर हो गए हो एक दूसरे से कि शायद दीदार को भी तरसते हो, दीदार नहीं हो पाता, देख नहीं पाते हो, या तो आपके पार्टनर की कोई भी खबर आपको नहीं मिलती या आपकी खबर उनको नहीं मिलती, है ना। ऐसा सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, ये भी हो सकता है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आया है। यानी कि रिश्ता पहले खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था जब आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती गई, झगड़े होते गए, ट्रस्ट इश्यूज होते गए, उसके बाद में क्या हुआ, आप दोनों में दूरी आ गई। और अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है वो ये है कि आप दोनों का रिश्ता रुक गया है, यानी कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ता रुक गया है, रिश्ता बढ़ नहीं पा रहा, उस मुकाम पर नहीं पहुँच पा रहा, यानी कि ग्रोथ के रुक जाने का कार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आया है। पर इन दो कार्ड्स को अगर आप देखोगे ध्यान से तो जहाँ पर कुछ चीज़ें रुकी है वहीं पर मुझे इंतज़ार भी नज़र आ रहा है ना। आप ध्यान से इस दोनों कार्ड को देखिए, यहाँ पर भी दूरी है और इस दूरी को आपके पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिश्ता रुक गया है, ग्रोथ रुक गया है, बढ़ना रुक गया है रिश्ते का, फिर भी यहाँ पर इस इंसान का इंतज़ार ही नज़र आया है। तो सबसे खूबसूरत बात ये होती है, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ ना कि पॉजिटिव रहिए, यानी कि जिस चीज़ में आपको देखने पर नेगेटिविटी नज़र आती है ना गाइस, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें डेफिनेटली होती है। ये दूरी का कार्ड है, ये ग्रोथ रुक जाने का कार्ड है, ये दोनों नेगेटिव चीज़ें हैं, पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस इंसान का इंतज़ार और इस इंसान का इंतज़ार, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहकर चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है गाइस, समझ रहे हो। तो इस इंसान का इंतज़ार मुझे बहुत खूबसूरत ढंग से नज़र आ रहा है, वो किसके लिए है, वो है आपके लिए। आज का हमारा सवाल था कि क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश है, सवाल ये था। पर यहाँ पर
कोई भी ऐसा कार्ड नज़र नहीं आया है गाइस जो दिखाता है कि वो बहुत दर्द में है, वो बहुत दुखी है, वो आपको आपके लिए रो रहे हैं, है ना, अपने आप को डेड एनर्जी में फील कर रहे हैं। ऐसा तो कोई कार्ड मुझे नज़र नहीं आया है गाइस। ये एक सच्चाई है कि वो वो अपनी लाइफ को जैसे तैसे चला रहे हैं, है ना, बिल्कुल आपके लिए पागल हो रखे हैं, खाना पीना छोड़ रखा है, जीना छोड़ रखा है, ऐसे एनर्जीज नहीं है आपके पोषण की। पर एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं गाइस, आपके पोषण आज भी आपको उतना ही याद करते हैं जितना ये पहले क्या करते थे, उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले क्या करते थे। सबसे खूबसूरत बात इस रीडिंग की यही है, यही है गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो बता रही है कि आपके पोषण ने यहाँ पर आपको भुलाया नहीं है। वो आज भी आपके दिल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिल को बहुत पसंद करते हैं, और जब आप रिश्ते में थे और तब आप इन्हें जो केयर किया करते थे ना गाइस, हर चीज़ तय हो सकता है कि आपने इन्हें पैसे रुपये से हेल्प की है, हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत केयर किया है ना, इन्हें सपोर्ट किया है, इनकी एक ताकत बनकर आप रहे हो। तो ये दो चीज़ें, आपका केयर करना और आपका जो प्यारा दिल है, ये दो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आती है और आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प भी आपके पर्सन को की है, ऐसा भी हो सकता है। तो सवाल चाहे कुछ भी होगा इस, है ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टेंस नहीं है, पूरी तरीके से दूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन एंड आउट वाला सिचुएशन यानी कि आना जाना लगा रहता है। आएंगे, आपके दुखती रगों पर हाथ रखेंगे और फिर से गायब हो जाएंगे, यानी कि सभी के यहाँ लोग यहाँ पर ब्लॉक नहीं हो, सभी लोग यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस नहीं हो, कुछ लोग तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में हो पर इस तरीके से कॉन्टैक्ट में हो कि उस कॉन्टैक्ट का होने का और नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, बराबर ही है। ये ऐसा हो इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ही एक दूसरी दुनिया में ही जी रहे हैं, दूसरे ही दुनिया के लोग हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड से नज़र आई है, यानी कि आपको ना ही जाने देते हैं, ना ही आपके साथ रिश्ता रख रहे हैं, आपको पूरी तरीके से कन्फ्यूजन में रख रखा है। कभी प्यार जताएंगे, कभी नफरत जताएंगे, है ना, कभी कॉल कर देंगे, कभी फिर गायब हो जाएंगे, आपके मैसेज को देखेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि पूरी तरीके से नहीं जा रहे हैं आपके पर्सन। कुछ लोग ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पर हो, है ना, और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं, फायर वाली एनर्जी होती है, और आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी और की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाना, दूसरों से ऑपोजिट सेक्स से जो है बहुत जल्दी दोस्ती यारी दोस्ती कर लेना, है ना, ऐसे एनर्जीज यानी कि प्ले बॉय या प्ले गर्ल वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पोषण की नज़र आ रही है। ये बहुत दर्द देता है जब कुछ लोग ऐसा करते हैं, है ना, आपके होते हुए जब कहीं और ताका झाकी करना, किसी और के साथ झट से रिश्ता बना लेना, दोस्ती कर लेना, और इससे जो है आपको कितना ज़्यादा दर्द होता है इस बात की परवाह नहीं करना। शायद इसी वजह से यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड भी नज़र आया है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इन एंड आउट कर रहे, टोटली ब्लॉक नहीं मारा है ना गाइस। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है सवाल आज का हमारा, ये भी तो है, एक्शन भी तो हमें देखना है। देखिए, इनके बॉटम में निकल कर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स ब्रेकअप के बाद या दूर होने के बाद अपनी फीलिंग्स को टोटली दबा दिया है, नहीं बता रहे हैं, नहीं वो छुपा रहे हैं आपसे कि आज भी वो आपको याद करते हैं, आज भी वो आपको प्यार करते हैं, है ना, छुपा रहे हैं बिल्कुल। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनकी बॉटम की निकल कर आई है, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है, दिमाग से सोच रहे हैं कि क्या करने से सब कुछ कहीं पर भी तबाही ना मचे, है ना, दिल को मार कर, दिल के बातों को नहीं सुनकर, दिमाग का इस्तेमाल करके इस इंसान ने आज आपसे दूरी बनाई है। पर फ्यूचर यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, भले ही इस इंसान को आज उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा पर आपको भूले नहीं है। इसी वजह से, इसी ना भूल पाने के एनर्जी की वजह से ही ये इंसान यहाँ पर आपका इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन दो कार्ड को देखकर। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी भी हुआ है, आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर लीगल यानी कि कानूनी केसेस मैटर्स भी चल रहा है। तो धोखा जहाँ पर होता है वहाँ पर आता है जस्टिस का कार्ड, मैं हमेशा रीडिंग में कहती हूँ। तो इस रीडिंग में जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, पाइल नंबर वन, इस रीडिंग में जस्टिस का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि अन्याय यहाँ पर एक प्यारे इंसान के साथ हो चुका है। कुछ लोगों को डिवोर्स देकर दिल तोड़ा गया है, कुछ लोगों को धोखा देकर दिल तोड़ा गया है, कुछ लोगों को बेवजह ब्रेकअप देकर दिल तोड़ा गया है, यानी कि
भरोसा आपका तोड़ा गया है जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। तो यहाँ पर न्याय का कार्ड इसी वजह से आया है गाइस। आपके पोर्शन डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे नजर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि दो दो कमबैक का एनर्जी मुझे, यानी कि नई शुरुआत का एनर्जी यहाँ पर नजर आया है। आपके पोर्शन में जितना भी घमंड है, जितना भी ईगो है ना, ये सब टूटेगा गाइस, ये सब टूटेगा, क्योंकि ये इंसान खुद जो है अब बहुत बुरी तरीके से पछताने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जिन लोगों के वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, जिन लोगों की बातें इन्होंने छोड़ी है ना, वे सारे लोग जो है अब आपके पोषण के खिलाफ हो रहे हैं, अगेंस्ट हो रहे हैं। आपके पोषण का किसी के साथ में भी खूबसूरत सा रिश्ता मुझे नजर नहीं आ रहा, चाहे ये थर्ड पार्टी में है, चाहे फैमिली में है, चाहे दोस्तों में है ना, हर जगह पर इस इंसान की यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। तो ये इंसान वापस आपके लाइफ में मुझे कमबैक करते हुए आते हुए मुझे नजर आए हैं। ओके, एस ऑफ सोर्स ने दिखाया है कि ये इंसान आपको जीतने के लिए, यानी कि अपने क्वीन को जीतने के लिए, अपने किंग को जीतने के लिए ये इंसान वापस जो है आने की तैयारी कर रहे हैं, नया बिगनिंग चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलकर, पुरानी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आप दोनों के बीच में, उन सबको भूलकर ये इंसान जो है न्याय लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है गाइस। आप में से कुछ लोगों के पोर्शन का यहाँ पर हो सकता है कि कहीं और रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, ये भी नजर आया है। पर आपके पोर्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, पर किस तरीके से करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। ओके, परिवार से, परिवार को मना कर, आप दोनों के परिवार की इसमें एग्रीमेंट हो, सहमति हो, इस तरीके से आपको ब्याह कर, आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं या फिर आपको अपने पास लेकर आना चाहते हैं। तो अरेंज मैरिज का इन्होंने डेफिनेटली सोच रखा है, पर आपके साथ सोचा है, पर कहीं और करवाने की बातें हो सकता है कि इन्हें प्रेशराइज की जा रही है। पर ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ ही एक्शन बढ़ाएंगे, आपकी तरफ ही कदम बढ़ाएंगे, आपके साथ ही नई शुरुआत करेंगे, ऑफर्स आपको ही देंगे ये इंसान, क्योंकि ये इंसान अभी भी आपको नहीं भूले हैं। कुछ चीज़ों को लेकर इनको थोड़ी सी परेशानी है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट चल रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा भरोसा ये इंसान नहीं कर पा रहे, और वो चीज़ें क्या है यहाँ पर खुलकर सामने नहीं आई है। ये चीज़ें मुझे तो ज़्यादातर ये लग रहा है कि जो आप दोनों का रिश्ते के पीछे की जो जुदाई हुई है, वजह जो हुई है, उसको लेकर इन्हें थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है, शायद फैमिली को लेकर, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, पैसे रुपये की बातों को लेकर ये ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है। ओके, तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होगी यहाँ पर, जस्टिस आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगा, जो भी दूरियाँ और ग्रोथ का रुक जाना मुझे यहाँ पर नजर आया है, वो सब दूरियाँ मिटेगी और आपके पोर्शन जो है आपकी लाइफ में दोबारा आते हुए, कम बैक करते हुए मुझे नजर आए हैं। गाइस, आपको ध्यान देना है कि इंसान जब सुधर कर आता है तो उस इंसान को एक मौका देना भी चाहिए। ओके, पर ऐसे एनर्जी में कोई इंसान आपको इस्तेमाल करने की एनर्जी में आता है, आपको जो है फिर से है ना यूज़ करके छोड़ देने की एनर्जी में अगर कोई इंसान आता है, तो ऐसे इंसान को क्या करना है, आपने भी खिड़की से बाहर फेंक देना है। समझ गए गाइस? ऐसे इंसान को अपने लाइफ में जगह मत दीजिए जो आपको बीच में बिल्कुल फंसा देते हैं, ना इधर जाने देते हैं ना उधर जाने देते हैं। तो इंसान की फितरत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपको बिल्कुल, आपने प्यार किया है, आप बिल्कुल समझ जाओगे आपके पोषण किस एनर्जी में वापस आपके पास आए हैं। आपको देखते साथ ही, उनके साथ बात करते साथ ही आपको उनकी एनर्जीज पता चल जाती है, क्योंकि दिल से आपने प्यार किया है ना गाइस। तो ऐसे एनर्जीज वालों से थोड़ा सा आपको कदम पीछे हटाने की ज़रूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आपकी तरफ आते हैं, सेक्सुअल यूज़ करने के लिए आते हैं, फाइनेंशियली आपको यूज़ करने के लिए अगर आते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर थोड़ा सावधान रहने की कोशिश कीजिए। और इसका एक मतलब और भी मैं बता दूंगा गाइस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, इन एंड आउट करते हैं, सभी इस एनर्जी में नहीं होते। कुछ लोग क्या होता है कि बिल्कुल रह नहीं पाते है ना, प्यार करते हैं रह नहीं पाते, तो बस एक झलक मिल जाए, एक छोटी सी बात सुनने को मिल जाए, तो तड़प की वजह से भी कुछ लोग आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि वो कन्वर्सेशन आपके साथ कैसा कर रहे हैं, सिर्फ मांगने की चीज़ें कर रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये दे दो वो दे दो, एक पिक भेज दो है ना, ऐसी चीज़ें कर रहे, कुछ पैसा पैसे दे दो। अगर ऐसी बातें करते हैं तो कटआउट कर देना है। अगर कहते कि नहीं मुझे बस तुमसे देखने का मन कर रहा था, बस मेरी गलती से कॉल लग गया, ऐसा अगर कोई करता है तो आपको समझना चाहिए कि ये इंसान आपसे दूर नहीं हो पा रहे। तो इसका भी डिफरेंस है, इस कार्ड का भी डिफरेंस है, आपको ये खुद जो है इसे एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। तो गाइस, यही थी आपकी बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, आई होप आपको
पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस, और जाकर हमारे दूसरे फैमिली द स्टार टैरेट को भी सब्सक्राइब करो, और वहाँ पर भी मैं रोज़ वीडियोस डाल रही हूँ गाइस, आप लोग देख नहीं रहे हो है ना, तो उसमें भी थोड़ा जाओ वीडियोस को देखो, खूबसूरत रीडिंग वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ओके तो इतना कहते रीडिंग को करें क्लोज, आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 व्हाइट स्टोन चूज किया है, चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश है। जी हाँ, यही है सवाल, खूबसूरत सा सवाल जो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ गहरा भी है, गहराई है इस सवाल में है ना, क्योंकि आप हो एक जो बिल्कुल खाना पीना छोड़कर बैठे हो, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, रोते रहते हो, बंद कमरे में पड़े रहते हो है ना, कि आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर रहे हैं गाइस, क्या वो आपके बिना खुश है। चलिए गाइस निकालते हैं कुछ कार्ड्स। एम्परर, ओके, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एट ऑफ कप्स। देख लीजिए कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपकी एनर्जी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड्स और चाहिए गाइस, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टेन ऑफ कप्स। बॉटम में मिला है कुछ प्रॉब्लम वाला कार्ड, यानी कि सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, क्या वो आपके बिना खुश है, आपसे दूर होकर खुश है ना, ये जानना ज़रूरी है गाइस। तो मैं अब आपको यहाँ पर साइन और एलिमेंट भी बता देती हूँ गाइस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे असाइन नज़र आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, उसके बाद यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी और कप्स की एनर्जी लगभग बराबर ही है। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क वृश्चिक, मीन राशि, और एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और फायर साइन में सिर्फ एरिस मुझे यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रही है गाइस। ओके तो क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश है गाइस, है ना। आपने जब कार्ड्स को देखा तो आपको तो कार्ड्स देखते ही अंदाजा हो गया होगा कि ये कितने ज्यादा खुश है आपके बिना, है ना गाइस, है ना। नजर आ रही है आपको इस इंसान की खुशी, क्योंकि मुझे तो इन एक कार्ड्स में भी इस इंसान की खुशी नज़र नहीं आ रही। जब आप लोग कमेंट्स करते हो कि बहुत खुश है, पार्टीज कर रहे हैं मैम, दोस्तों के साथ घूमने गए हैं मैम, फैमिली के साथ घूमने गए हैं दीदी, है ना, कंबल ओढ़कर सो रहे हैं दीदी, है ना। यही होता है आप में से कुछ लोगों का कमेंट्स। पर यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपके पर्सन पार्टीज भी कर रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, है ना, तो ये सिर्फ एक सामाजिक कार्य है जो वो कर रहे हैं, यानी कि इस इंसान के दिल में वो खुशी नहीं है जो ये कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में ये खुश नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं, वो फेक है, वो दिखावा है, जा रहे हैं घूम घाम कर रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टीज कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दिखाने की चीज़ें हैं, जो एक चीज़ें हैं जो करनी होती है वो कर रहे हैं। पर इस इंसान ने यहाँ पर एक मुखौटा लगाया है जो हमें नज़र आता है एम्परर के कार्ड से, ठीक है। आपको बस इस इंसान का ये चेहरा दिख रहा है गाइस पाइल नंबर 2, कि ये मस्ती में है, मौज मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल इस इंसान को परवाह नहीं है, खुश है ये आपके बिना, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको ऐसा दिखाया गया है। एम्परर का एनर्जी हमेशा छुपे रुस्तम का एनर्जी मैं कहती हूँ, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपने दर्द को दिल के अंदर छुपा कर चेहरे से मुस्कुराता है, बताता नहीं है कि वो किस दर्द में है, कितना आपको मिस कर रहा है, कितना आपको याद कर रहा है, ये कभी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि इस इंसान ने अगर आपसे दूरी यहाँ पर बनाई है, आपसे अगर ब्रेकअप लिया है, आपसे रिश्ता तोड़ा है, तो इस इंसान की 101% कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी,
समझ रहे, कुछ ना कुछ मजबूरी की वजह से ही इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, रिश्ता तोड़ा है। वजह चाहे कोई भी हो, दिल तो आपका टूट चुका है। आपको दगा यहाँ पर मिला है, दगाबाजी मिली है, धोखेबाजी मिली है, चाहे वजह कुछ भी हो, है ना। पर सवाल, क्या वो आपके बिना खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुश होने का दिखावा किया जा रहा है, एक्टिंग की जा रही है, आपको दिखाया जा रहा है कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ। इस बात को आप समझिए, इस कार्ड को देखकर ही आप इस बात को समझिए, क्योंकि इस कार्ड के नीचे हमें अगर देखने को मिलेगा तो इस इंसान की बेबसी नजर आ रही है। इस इंसान का कोई ना कोई, इस इंसान ने ऐसी चीज़ें आपके साथ कर दी है गाइस, जिसका पछतावा इस इंसान को बहुत बुरी तरीके से आज हो रहा है। इन्होंने या तो आपका दिल जानबूझकर तोड़ा है, या फिर अनजाने में तोड़ा है, या फिर यू नो आपको अपने से अलग करने के लिए इन्होंने कोई ना कोई ऐसा गेम प्लान किया है जिससे कि आपके नज़रों में ये इंसान गिर जाए, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें इस इंसान ने की है आपसे दूर होने के लिए, जिसका पछतावा इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत तकलीफ़ में है, पछतावे में है, नींदे गायब है इस इंसान की। ये मत कहो कि कंबल ओढ़कर सोए हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा एनर्जी नहीं है। इस इंसान को लगता है कि इनकी ही गलतियों की वजह से एक अच्छा खासा खूबसूरत सा रिश्ता जो है टूट गया, टूटकर बिखर गया। और आपको खुद से दूर भेजने का जो एक गम होता है ना, वो गम इस इंसान को बहुत है। देख लीजिए, आप ये हो जो ये इंसान जा रहा है प्यार को छोड़कर। ये आपकी एनर्जी है इनके कार्ड्स में, क्योंकि आप गए हो यहाँ से इनके रिश्ते में। या तो आप गए हो, या आपको जबरदस्ती इनके इनसे दूर होने के लिए मजबूर किया गया है। और ये इंसान दर्द में है, सैड है ना। आपको प्यार को छोड़ने के लिए यहाँ पर जबरदस्ती मजबूर किया गया था गाइस, जिसके वजह से यहाँ पर आपके पोषण बहुत दर्द में है। आपको खोने का, आपको अपने से दूर कर देने का इस इंसान को पछतावा भी यहाँ पर हो रहा है। आप एक ऐसे इंसान हो इनके लिए जो परफेक्ट हो। वो कहते हैं ना कि हमें जब मनचाहा कोई इंसान मिलता है, जिसे हम एक बार देखते हैं और लगता है कि यही वो इंसान है जिससे मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, ज़िंदगी गुजारनी है ना। तो आपको भी एक ऐसे ही बेहतरीन इंसान के रूप में देखते हैं, जो खुद बहुत खूबसूरत हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी कर गुजरने की यू नो आप में हिम्मत है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, घर परिवार को संभाल सकते हो, बाहर जाकर काम कर सकते हो, यानी कि एक इंडिपेंडेंट इंसान के रूप में, एक बेस्ट कपल के रूप में, एक बेस्ट जीवन साथी के रूप में आपके पोषण आपको देखते हैं गाइस। पाइल नंबर टू भूले नहीं है, ये मत सोचो। यहाँ पर जो नींदे उड़ी है ना, यहाँ पर जो नींदे गायब हुई है, इसकी वजह आप हो और सिर्फ आप हो। आप दोनों का रिश्ता है, आप दोनों का जो रिश्ता टूटा है, वो सब चीज़ें हैं। आपके साथ जो की गई गलतियां हैं, वो सब चीज़ें इस इंसान को सोने नहीं दे रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस इंसान को चल रही है, समझ रहे हैं। बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस। इसके साथ साथ इस इंसान को कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, यानी कि काम धंधे में इस इंसान को बढ़ोतरी नहीं हो रही, सैलरीज नहीं मिल रही, लोन्स चढ़ गए हैं, यू नो पैसे रुपए नहीं है हाथ में। तो बहुत ज़्यादा पैसे रुपए को लेकर भी इस इंसान की परेशानी और भी जो है ज़्यादा बढ़ गई है, दुगनी हो गई है। एक आपको खुद से अलग कर देने का दर्द है, दूसरा फाइनेंशियल लॉस होने का इस इंसान को दर्द हो रखा है ना, परेशान हो रखे हैं। तो चारों खाने से इस इंसान को यहाँ पर फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर टेम्परेंस भी आया है। आप देख लीजिए, टेम्परेंस का कार्ड कब आता है? टेम्परेंस का कार्ड तब आता है जब एक इंसान बहुत सारी गलतियाँ कर चुका होता है, यानी कि हीलिंग का कार्ड होता है, कि इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं होता। तो अपने आप को जो है ज़बरदस्ती करके यू नो सब चीज़ें भूलने की कोशिश करना है ना। आपको ऐसा यू नो मन ना ना हो कि बाहर जाकर घूमने जाए, फिर भी करेंगे ताकि अपने आप को हील कर सके, है ना। बंद कमरे में रहेंगे तो घुटन होगी, इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे। तो हीलिंग का कार्ड चल रहा है, हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, है ना। अपनी गलतियों की माफिया मांगी जा रही है यहाँ पर। कुछ आध्यात्मिक यानी कि भगवान की तरफ थोड़ा सा झुकाव इस इंसान का बढ़ गया है। अगर ये इंसान नास्तिक हुआ करते थे, ऊपर वाले पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे अगर आपके पोषण, तो अब जो है इन्होंने ऊपर वाले को थोड़ा सा सम्मान देना शुरू किया है, थोड़ा सा भरोसा ऊपर वाले की तरफ दिखाना शुरू किया है, यानी कि ऊपर वाले की तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस इंसान ने यहाँ पर टिकाई है। अगर आपके पोषण भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले इंसान हैं, तो ये यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हर एक इंसान को मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता, पर पूजा पाठ दुआएं करना तो सभी को आता है ना गाइस। तो ये इंसान कुछ ना कुछ दुआएं, मैनिफेस्टेशन आपको पाने के लिए, अपने
क्वीन को पाने के लिए, अपने जीवन साथी को पाने के लिए, अपने पार्टनर को पाने के लिए ये इंसान यहाँ पर दुआएं भी मांग रहे हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। पर कितना ज़्यादा, देखे दो कार्ड आया है, किंग ऑफ पैंटिकल्स, द एम्परर, दोनों कार्ड दिखा रहा है कि चाहे मुझे जितनी भी तकलीफ हो तुम्हारे चले जाने के बाद, मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला कि मुझे क्या फील हो रहा है, मैं कितने दर्द में हूँ। तुम्हें वही देखना है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ। बिल्कुल यही, इस कार्ड को, इस रीडिंग को देखकर मुझे इस इंसान का दो चेहरा नजर आ रहा है गाइस, बिल्कुल दो चेहरा, कि दिखाया कुछ और जा रहा है, दिल में कुछ और हो रहा है, कुछ और घटनाएं इस इंसान की लाइफ में घट रही है। आपको जानबूझकर इस इंसान ने अपने से दूर किया है। देखिए इमोशनल डिटैच हो हुए नहीं है, दिखाया गया है कि ये आपसे इमोशनल दूर हो गए हैं, आपकी परवाह नहीं है, आप कुछ भी कर लो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, अब मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ। यानी कि ये सब जो भी है एक गेम का प्लान है, प्लानिंग बनाकर की गई दूरी है ये, है ना, ना चाहते हुए की गई दूरी है ये, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान की कुछ मजबूरियाँ रही हैं, कुछ ना कुछ मजबूरियाँ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप इनके लिए एक परफेक्ट इंसान हो, परफेक्ट कपल हो जो इनका लाइफ बना सकते हो, है ना। पर हो सकता है कि आप इनके आसपास जो लोग हैं उनके लिए आप उनके नज़रों में खटते हो, है ना, अखरते हो, आपको पसंद नहीं करते इनके लोग, इनके परिवार के लोग, या कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस आप दोनों में हो सकता है। तो कुछ ना कुछ वजह है जिसके वजह से ये इंसान दूर हुए हैं गाइस। इसमें मुझे कोई भी ज़्यादा धोखाधड़ी या फिर ऐसी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही है पाइल नंबर टू। ओके, ये इंसान आपके साथ खुश होना चाहते हैं, आपके साथ घर परिवार बसाना चाहते हैं, है ना। जिस तरीके से एक इंसान कि दोनों हाथों में, दोनों हथेलियों में अगर पूरी खुशियाँ भर जाए तो हम मुट्ठी बना लेते हैं, उसे सहज कर रखना चाहते हैं कि नहीं गाइस। तो आपके साथ भी ये इंसान इस तरीके से ही खुश होना चाहते हैं, कहीं और इस इंसान का मन नहीं लगता, है ना। आपको ही देखते हैं, आपको ही सोचते हैं, काश ये इंसान मेरे लाइफ में होता तो मेरी ज़िंदगी भी इसी तरीके से खुशियों वाली होती, बाल बच्चे होते, परिवार होता, है ना। तो ऐसे ऐसे सपने इस इंसान को आते हैं और ये जो है इंसान सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पोर्शन यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हैं गाइस। ओके, एक एक सिंगल, दूसरा मैरिड, या फिर एक्स्ट्रा अफेयर का कुछ, या फिर शादीशुदा हो और आपके पोर्शन को आपसे जुदा कर दिया गया है, ऐसे कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत यंग नजर आ रहे हैं जो एज में कम हो सकते हैं, है ना, पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड आपके पोर्शन यहाँ पर हो सकते हैं, जो सोशल साइट्स का इस्तेमाल बहुत भरपूर करते हैं। ओके, तो ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही है वो सच्चाई नहीं है, ये इंसान वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, फ्यूचर इस इंसान का यही है, समझ लीजिए। क्योंकि ये इंसान इस दर्द में नहीं रहेंगे, जब तक इंसान दर्द में रहता है ना गाइस वो जी नहीं पाता है। तो जी कैसे पाएगा, जब अपने प्यार की तरफ बढ़ेगा, अपने प्यार को आकर जो है ये ऑफर देंगे, तब जाकर इस ये इंसान रात को सो पाएंगे। इनका प्यार आप हो, आपकी तरफ एक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्यार का ही एक्शन लेकर ये इंसान आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आया है। बहुत से लोगों को ये एक्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कदम बढ़ाता हुआ मुझे नज़र आ चुके हैं आपके पोर्शन। ओके, प्यार लेकर, अपने प्यार के पास ही वापस आने के बारे में इस इंसान का एक्शन यहाँ पर दिख चुका है गाइस। पर आपको ध्यान जरा यहाँ पर ये देना है कि प्रॉब्लम्स इस इंसान की अभी भी है, समस्याएं इस इंसान की अभी भी है, वही समस्याएं जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा था, जिसकी वजह से आप दोनों को जुदा होना पड़ा था। क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे हमें जो बॉटम में जो एनर्जी मिली है वो है सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी, यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर इस इंसान को अभी भी कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, कुछ चीज़ों को लेकर लेकर ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर इनकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है। एक तो ये कैरियर में भी फेलियर का सामना कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी इन्होंने फेलियर का ही सामना करना पड़ा, चाहे जानबूझ कर किया चाहे अनजाने में किया। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी गाइज, ये आपको समझनी होगी। जब ये इंसान वापस आएंगे तो आपको जो है इनसे अच्छे ढंग से बातचीत करके इस ट्रस्ट इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। ओके, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जब ये आती है तो इस इंसान का ये पूरा परफेक्ट एनर्जी होता है कि ट्रस्ट इश्यूज इस रिश्ते में डेफिनेटली है, चाहे परिवार की वजह से है, परिवार नहीं मान रही, चाहे कुछ सोसाइटी का या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है कि कैरियर ठीक नहीं है, तुम्हें अपना नहीं सकता, तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकता। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर इनके ओवरऑल एनर्जी में, पर ये इंसान वापस आएंगे ज़रूर आपके पास, अपने प्यार के पास। ओके, इसके नीचे भी मुझे वर्ल्ड का कार्ड नज़र आया है जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग दोनों
है ना, अगर इस स्टेज में हो जहाँ पर दर्द मिल रहा है, आंसू मिल रहे हैं, धोखा मिल रहा है, जो भी है गाइस, है ना, ये एक साइकिल था जिसे कंप्लीट होना है। और ये जब साइकिल कंप्लीट होगा, जुदाई का जो ये स्टेज कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है आपके पोषण बहुत सारा प्यार लेकर आपके पास आएंगी और आपको अपनी ज़िंदगी का, अपनी दुनिया का हिस्सा बनाएंगी, जो इनका सपना है। यहाँ पर देख लीजिए, इनका सपना है आपके साथ घर बसाने का, आपके साथ रहने का, आपके साथ जीवन बिताने का, है ना। तो इस सपने को साकार करना ये इंसान चाहेंगे और इसी वजह से आपकी दुनिया में ये इंसान वापस आएंगे। पर समस्याएं कुछ होंगी, ट्रस्ट इश्यूज कुछ होंगे, कुछ चीज़ों को लेकर, जिन्हें जो है आप दोनों को मिल बांट कर ही सुलझाना होगा गाइज। ओके, तो इतना कहते हुए गाइज इस रीडिंग को मैं आप कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज।